तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ड्राइव करने वाले हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर के जो टर्मिनल होते हैं वो कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं. मतलब ये हेड और टेल है इस रजिस्टर का, ये हेड और टेल है इस रजिस्टर का, ये हेड और टेल है इस रजिस्टर का. इन सब के हेड एक साथ कनेक्टेड है, इन सब के टेल एक साथ कनेक्टेड है. मतलब रेलवे का टिकट लेने गए तो पैरेलल में विंडोज हैं. आप इससे भी ले सकते हैं, आप इससे भी ले सकते हैं, आप इससे भी ले सकते हैं. ये सब क्या है? पैरेलल में है. यानी कि जब आप असेंबली में प्रेयर के लिए खड़े होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट क्लास की डिफरेंट रोज होती हैं. ये सारी रोज आपस में किस में है? पैरेलल में है. वैसे ही ये सारे रजिस्टर्स के टर्मिनल्स कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड हैं. ये सारे रजिस्टर्स किस में हैं? ये सारे रजिस्टर्स पैरेलल में हैं. और अगर ये पैरेलल में है तो क्या सेम होने वाला है? पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे सीरीज में सेम था करंट, वैसे ही पैरेलल में क्या सेम होने वाला है? पैरेलल में सेम होने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस. क्यों? क्योंकि सब के सब इस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं और सभी के सब इस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं. मान लेते हैं ये 100 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 100 और ये नेगेटिव टर्मिनल को मान लिया 0. तो ये देखिए सब यहां 100 और यहां 0. तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 माइनस 0, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 माइनस 0, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 माइनस 0. एग्जांपल था 100. मतलब पैरेलल में क्या सेम रहने वाला है? पैरेलल में सेम रहने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस. और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो फिर हम क्या लगा सकते हैं? ओम्स लॉ लगाते हैं और हर बार V को सेम रखेंगे. इसके लिए भी V है I1 into R1. इसके लिए भी V है पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस V is equals to I2 into R2. इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है V is equals to I3 into R3. लगाते हैं और देखते हैं क्या आता है. जैसे ही मैंने रजिस्टर R1 के लिए लिखा V is equals to, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप भी है, I1 की वैल्यू मैंने निकाली. क्यों निकाली? क्योंकि मुझे ये दिख रहा था कि यार ये I करंट आ रहा है जो कि तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है. तो क्या आगे जाके मैं कोई ऐसी इक्वेशन लिख सकता हूँ? सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग. अरे भैया जितना आएगा करंट उतना ही तो जाएगा. I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं I1 निकाल के रख लेता हूँ. वैसे ही फॉर रजिस्टर R2 V पोटेंशियल डिफरेंस I2 into R2 करंट इनटू रेजिस्टेंस. I2 की वैल्यू आ गई V by R2 इक्वेशन 2. सिमिलरली फॉर रजिस्टर R3 V इज इक्वल्स टू I3 R3. सो I3 की वैल्यू आ गई V by R3. और जब मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो वो सेम करंट ड्रॉ करेगा सेम सप्लाई से, मगर होगा एक रजिस्टर. यानी कि V इज इक्वल्स टू IR इक्विवेलेंट. I की वैल्यू क्या आ गई? V by R इक्विवेलेंट. जैसे ही मैंने यहां पे नोडल लगाया, जितना इनकमिंग करंट था उतना ही आउट होना चाहिए. यानी कि सबका सम इक्वल होगा I के, I1 प्लस I2 प्लस I3 का. लिखते हैं. जैसे ही मैंने ये सारी वैल्यूज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 में रखी, I की वैल्यू क्या है? V बाय R इक्विवेलेंट. I1 की वैल्यू क्या है? V बाय R1. I2 की वैल्यू क्या है? V बाय R2. I3 की वैल्यू क्या है? V बाय R3. जैसे ही रखा, ऊपर से V कॉमन आ रहा है, ये भी V है. V कॉमन होके क्या हुआ? कैंसिल. 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ये हो गया डेरिवेशन, खत्म. बट आपका बाबा आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो देगा ही देगा. लेते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. अगर मेरे पास n डिफरेंट रजिस्टर्स हैं और ये सब कनेक्टेड हैं पैरेलल में, तो जैसे 3 पर था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. अगर n होते तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाता 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/Rn. और अगर ये सारे के सारे आइडेंटिकल हो जाएं तो R प्लस R प्लस R, मतलब 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n अपॉन R. बट ध्यान ये रखना यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R बाय N. हो गया डेरिवेशन. बहुत आसान, दिमाग में भी बैठ गया. मुझे पता है आपके
अच्छे से पढ़ते रहो, दिमाग को ठंडा रखो, आगे बढ़ते रहो। इस डेरिवेशन में इतना ही। जय हो।